सशस्त्र सीमा बल की एकता और भाईचारे का संदेश देती रैली जयगांव पश्चिम बंगाल से शुरू की गई। साइकिल रैली पहुंची राजगढ़, हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एकता और भाईचारे का संदेश देती सशस्त्र सीमा बल द्वारा जयगांव पश्चिम बंगाल से शुरू की गई साइकिल रैली 22 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे राजगढ़ के उदय पैलेस गार्डन पहुंची, जहां पर सरदारपुर SDM BS कलेज, सरदारपुर SDOP रामसिंह मेड़ा, सिंचाई विभाग SDO अशोक गर्ग, राजगढ़ थाना प्रभारी रतनलाल मीणा, उप निरीक्षक रमेश डावर, सहायक उप निरीक्षक राजेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक रामसिंह हटीला, सत्यपाल सिंह जाट, प्रधान आरक्षक सुखराम चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष भंवर सिंह बारोड़ सहित अन्य ने पुष्पहार पहनाकर साइकिल रैली में शामिल जवानों का स्वागत सम्मान किया। आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल SSB की साइकिल रैली पश्चिम बंगाल के जयगांव से 17 सितंबर को शुरू हुई है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल के 22 जवान साइकिल पर सवार हैं। यह रैली लगभग 35 दिनों का 2347 किलोमीटर का सफर तय करके 26 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल होगी। दल में शामिल सुजीत कुमार लेफ्टिनेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल ने बताया कि रैली का उद्देश्य एकता, अखंडता और फिट इंडिया के तहत लोगों के बीच के लिंग के फायदा को पहुँचाना है। आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात है। सरदारपुर से दीपक प्रजापति की खास रिपोर्ट। आपकी जो साइकिल रैली है, इसका क्या लॉजिक है? किस पर्पस से आपने इतना जो है रैली निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में यह रैली सशस्त्र सीमा बल द्वारा निकाली गई है, जो कि 17 सितंबर को भारत भूटान के जयगांव से शुरू हुई है। कुल हमारा 2500 किलोमीटर का यह दूरी है और हम 20 साइकिलिस्ट इसको पूरा करेंगे 40 दिनों में। और यह रैली आज धार से चल के और राजगढ़ में आकर खत्म हुई है। आज का फिर कल का हमारा रेस्ट है, परसों हम यहाँ से जोबट के लिए निकलेंगे और 26 अक्टूबर को हम केवड़िया में इस रैली का समापन करेंगे और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह है केवड़िया में, उसमें हमें शामिल होना है और इस रैली के माध्यम से हम लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना पैदा करते हैं और जो भारतीयता और जो नेशनल यूनिटी है उसके बारे में। इस रैली के दौरान आपको कुछ अनुभव भी आए होंगे, कुछ परेशानियाँ भी आएगी, उसको आप शेयर करना चाहेंगे? इस रैली के दौरान काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं, लोगों का काफ़ी प्यार मिला हर जगह पे और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब ने अपने अपने जिम्मेवारी का काम बखूबी से निभाया और हमारा उत्साह को काफ़ी आगे बढ़ाया है। लोगों से भी हमें बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है और जिससे हम आगे बढ़ने के लिए एनर्जी और ऊर्जा। आपका शुभ नाम? मैं सुजीत कुमार।